हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा, उसकी बात कर लेंगे। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको भी कवर कर ही लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 3-4 महीने हो गए इस बात को। तो करंट वीज़ा ट्रेंड को लेके या प्रोफाइल वाइज लेके और टोटल डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी बात कर लेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें, एंड जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपॉइंटमेंट लेके ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा की बात करें तो प्रेजेंटली मैं बता दूँ पहले कि ग्रांट कितने टाइम का हो रहा है। अभी के लिए जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल का वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि वैसे तो होता है कि 6 से 9 महीने का भी मिलता रहा है। एंट्री वगैरह तो चलो ऑलमोस्ट उतनी रहनी होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया का होता है सिस्टम, बट स्टिल अभी के लिए जो मेरे लिंक में जो केसेस वगैरह हैं, जहाँ से मैंने देखा है, मुझे आइडिया हुआ है, वो जितने भी हैं वो 1 साल के वीज़ा वाले ही हैं। तो 1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है न्यूजीलैंड से मिल रहा है, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं, देखिए प्रोसीजर की अगर बात करते हैं ना, अगर आपने मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो देखी है तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आपने इनविटेशन लेटर मंगाना है, वहाँ जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके पासपोर्ट की कॉपी हो गया, उसका एड्रेस का प्रूफ हो गया, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट होते हैं इनवाइटर की तरफ से, वो अगर होटल है तो होटल, और इंडिया से जो लगाने हैं, देखिए प्रोफाइल जो होता है ना उसी के डॉक्यूमेंट लगने हैं। कई लोग कहते हैं जी न्यूजीलैंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, कनाडा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, तो भाई जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जी हाँ, हर जगह पासपोर्ट की कॉपी लगनी है, हर वीज़ा के लिए आपका जो डिजिटल फ़ोटो लगनी है, हर वीज़ा के लिए आपके आईडी कार्ड्स लगने हैं, हर वीज़ा के लिए आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन लगने हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में कोई मेजर चेंज नहीं आता, हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता दूँ कैसे अप्लाई होता है। ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, सबमिशन करते हो, फिर आपको ना कुछ वीक या कुछ दिन वेट करनी पड़ती है, नेक्स्ट फर्दर एम्बेसी से कम्युनिकेशन आता है, उन्होंने आपकी जो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको बोलते हैं कि VFS की अपॉइंटमेंट लेके जो भी नियर बाय होगा, और वहाँ जाके आप अपना जो पासपोर्ट है वो स्कैन करवाओ। तो ज़्यादातर तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो आती है उसके हिसाब से, और रखना कुछ नहीं होता पासपोर्ट वगैरह, उन्होंने वापस कर देना, क्योंकि वीज़ा जो है वो आपको ई वीज़ा ही मिलना है, तो इतना कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आता। अब सक्सेस की बात करें, कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ हुआ था, सेम प्रोफाइल पे न्यूजीलैंड ने वीज़ा दिया। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन का रश ज़्यादा रहता है, दूसरा जो न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन है उसका इतना कोई ज़्यादा रश नहीं रहता। फिलहाल एप्लीकेशन काफ़ी लगी हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी जो इंडिया के लोग हैं काफ़ी है, कोई पेरेंट्स को बुला रहा है, कोई बहन भाई को इन्वाइट कर रहा है, तो जो प्रोसेसिंग टाइम का जो वेटिंग टाइम है आप उसको अंदाजे से अगर मैं बताऊँ आपको, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ तो कहीं नहीं गया, मतलब 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने आप मान के चलो कि ये प्रोसेसिंग भी जो है वो टाइम लेगी। और सक्सेस रेट की बात करें, प्रोफाइल अगर मान लो अच्छा प्रोफाइल है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी के 80% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, तो न्यूजीलैंड में वो 75% आप मान सकते हैं, फिलहाल जो ट्रेंड कह रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, 5-6-7-8% इसके आसपास का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों कंट्री थोड़ा सा प्रोफाइल को अच्छी तरह से ही देखती है। हाँ, एक एज रहता है, दोनों में से किसी का भी वीज़ा लग जाए तो दूसरी जो कंट्री है, मान लो आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए थोड़ा लीनियंट हो सकता है, आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा हुआ है तो न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको लिए ईजिली मिल सकता है सेम प्रोफाइल के ऊपर। तो थोड़ा सा एक ये एज जो है वो हमेशा जो है वो रहेगा ही रहेगा, कि अगर सिस्टर कंट्रीज़ हैं तो जैसे US का आप जिसके पास वीज़ा होता है उसके लिए कनाडा का वीज़ा इजी होता है, जिसके पास कनाडा का वीज़ा उसके लिए भी US का वीज़ा इजी हो सकता है, बट सेम सिनेरियो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है। तो न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है जो भी भाई लोग चैनल देखते हैं, आप ना ये मत सोचो कि बहुत आसान है, क्योंकि पता क्या होता क्या है कि बंदा पूरी एडवाइस को नहीं सुनता, बस ये सुनते हैं कि वहाँ के चांसेस ज़्यादा है, तो जिसका प्रोफाइल नहीं है वो कहेगा कि हाँ न्यूजीलैंड लगाता हूँ क्योंकि चांसेस ज़्यादा, तो भाई जिसका प्रोफाइल ही नहीं है उसका क्या न्यूजीलैंड क्या ऑस्ट्रेलिया, कहीं चांसेस नहीं है, रेयर चांसेस ही होते हैं, लो चांसेस ही होते हैं, तो वो 5-7% से वो वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो जाए ना, मतलब जिसके पहले 10-20% चांसेस है तो वो 25% चांसेस करके क्या ले लेगा, तो उसको वीज़ा तो मिलने के चांसेस वैसे ही नहीं है। तो प्रोफाइल आपका मैटर करेगा, प्रोसेस वही है, ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, थोड़ा जो डिजिटल फोटो होती है उसका फॉर्मेट इसका मिक्स रहता है, फिक्स होता है,
ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आप कोई भी डिजिटल फोटो नॉर्मल जो होता है वो स्कैन करके वहाँ पे आप अपलोड करते तो कोई इशू नहीं आता, बट न्यूजीलैंड के लिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हुई है कि ऐसी फ़ोटो ये उसका जो है पिक्सल्स होने चाहिए, ये डिमेंशंस होने चाहिए, तो सारा कुछ ऑनलाइन जो है वो लिखा होगा तो वो आप चेक कर सकते हो। तो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका जाने का रीज़न है, प्रोफाइल अच्छा है, तो सक्सेस रेट ठीक ठाक चल रहा है, तो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट स्टिल कंट्री ओपन है ऑलरेडी, ट्रैवल भी हो रहा है। ट्रैवल एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि फ़्लाइट्स महंगी होती है, पर अदरवाइज़ न्यूजीलैंड भी एक घूमने के लिए काफ़ी अच्छी कंट्री है। सो ये न्यूजीलैंड वीज़ा की अपडेट थी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो जहाँ अपडेट आती है वो आप तक जो है वो टाइमली पहुँच सके। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।